जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी सौगात की खबर के साथ। रायपुर से ये खबर, बिजली कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है, 50% महंगाई भत्ता मिलेगा, ये बड़ा फैसला। कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा, कार्यपालक निदेशक ने आदेश जारी कर दिया है। इसके चलते अब 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, 16,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। बिजली विभाग के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता, कार्यपालक निदेशक ने ये आदेश जारी कर दिया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को तकरीबन 16,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं ये, जिन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। और सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से, कब से ये आदेश लागू माना जाएगा? देखिए, बिजली जो कर्मचारी है उन्हें बड़ी सौगात कही जा सकती है। आदेश तत्काल प्रभाव से जारी हो चुका है और 50% महंगाई भत्ता है ये मिलेगा। 16,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी नियमित रूप से काम कर रहे हैं, 15,000 लगभग ऐसे कर्मचारी हैं जो पेंशनर हैं, उनको भी इसका फायदा है वो मिलेगा। और पहले से जो राशि है वो बढ़ी गई है, 50% जो महंगाई भत्ता है वो मिल सकेगा। तो इसे साफ जाहिर है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है वो कही जा सकती है। और इसे लेकर के बकायदा कार्यपालक जो निर्देशक है उन्होंने एक जो पत्र है, आदेश है, वो जारी कर दिया है। तो आदेश जारी होने के बाद इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी माना जाता है। जी ललित, चलिए लागू भी माना जाता है। बहुत धन्यवाद आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर में कांग्रेस ने पोस्टर लॉन्च किया है, नारी न्याय गारंटी का पोस्टर लॉन्च किया गया है। महालक्ष्मी योजना को लेकर यह पोस्टर है। महिलाओं के खाते में सालाना 1,00,000 देने का वादा इस पोस्टर के जरिए किया गया है। केंद्र में सरकार बनने के बाद वादा पूरा करेगी कांग्रेस, घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे कार्यकर्ता। नारी न्याय गारंटी महालक्ष्मी योजना, इसका पोस्टर जारी किया गया है। के लिए 1,00,000 रुपए की गारंटी में साल में उनके घर में उनको एक महिला को देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। मैं समझता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी को धन्यवाद देने, महिला बहने आज दीपावली और होली के समान उत्साह मना रही हैं, फटाके फोड़ रही हैं, गुलाल खेल रही हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर इस देश में आज कोई है तो घर को चलाने वाली हमारी महिला बहने हैं। 5,000 से 7,000 रुपया महीना में मिलता है घर का खर्चा, और घर का खर्चा है 15,000 से 20,000 रुपया। आज महिला बहनों के लिए बड़ा उत्साह का माहौल है। हमारी तमाम महिला बहनें छत्तीसगढ़ में और देश की महिलाओं को 1,00,000 रुपया गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी देगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये 1,00,000 की जो गारंटी के लॉन्च हुआ है, आज इसी का उत्साह मना रहे हैं हम लोग सब। यहाँ पर होली खेल रहे, पटाखे फोड़ रहे, गुलाल खेल रहे हैं, क्योंकि ये है कांग्रेस की गारंटी। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे जुमलों वाली गारंटी नहीं है, इस गारंटी को पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, महालक्ष्मी योजना और क्या कुछ ये योजना कहती है, और असर रायपुर में इसका इफेक्ट क्या दिखता है? बिल्कुल, देखिए महतारी वंदन योजना जो है वो बीजेपी ने लॉन्च किया था, और इसको लेकर लोकसभा के पहले ये पूरी कोशिश बीजेपी की रही कि महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जो है कम से कम उसकी पेशगी तो आ जाए। और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो महतारी वंदन के बाद में अब कांग्रेस ने लॉन्च किया है केंद्रीय स्तर पे वो जो है महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि सालाना 8,500 और महीने के 8,500 और सालाना करीबन 1,00,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। और इसी की पोस्टर की जो लॉन्चिंग है वो जगह जगह की जा रही है। और चूंकि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर भी कांग्रेस बनाने वाली है, तो रायपुर लोकसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय, उन्होंने महिला कांग्रेस के साथ ये पोस्टर लॉन्च किया। और न केवल पोस्टर लॉन्च किया कांग्रेस के जिला कार्यालय में, बल्कि वो यहाँ पर कोतवाली चौक पर आए और महिलाओं को लेकर जमकर जो है वो गुलाल खेला गया, आतिशबाजी के पटाखे फोड़े गए। ये पूरा जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य यही था कि लोगों के ध्यान में जो है वो आए, लोग पलट कर देखें और पूछे कि भाई क्या हो रहा है, तो ये बताया जा सके भाई महालक्ष्मी योजना जो है
वो लॉन्च की जा रही है और इस तरीके से महिलाओं को जो है वो 1,00,000 रुपए सालाना कांग्रेस देने का वादा कर रही है अगर केंद्र में आई तो। जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो मैतारी जो वंदन योजना है वर्सेज जो है महालक्ष्मी योजना, ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहेगी। और कांग्रेस का ऐसा दावा है, बीजेपी का दावा है कि मातारी वंदन योजना हमने करके दिखा है, कांग्रेस का ऐसा दावा है ये तो चुनावी जो है वो शिगुफा है, शुरुआत में कर रहे हैं लेकिन हम तो पूरी जिंदगी गारंटी दिखाएंगे। तो आप देखना ये है कि किसके दावे किस पर भारी पड़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। इधर छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने महासमुंद सीट के लिए अब एक पोस्टर जारी किया और पोस्टर के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला गया है। पोस्टर वॉर में ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री, उन्हें घेरा गया है और ये लिखा है कि जो बिरनपुर में मारे गए युवक के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। बाकायदा तस्वीर भी लगाई गई है। तब बिरनपुर हिंसा के दौरान गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और पोस्टर के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही है। इससे पहले बीजेपी ने भूपेश बघेल, शिव डहरिया, ज्योत्सना महंत, विकास उपाध्याय, इनके पोस्टर जारी किए और विकास उपाध्याय पर भी निशाना साधा, ज्योत्सना महंत को लापता बताया, शिव डहरिया पर जमीन कब्जे के आरोप लगाए, भूपेश बघेल के पोस्टर में जिहादी गिरोह का झंडा दिखाया गया। तो इससे पहले जो पोस्टर जारी किए गए थे वो ये तमाम आपकी स्क्रीन पर एक साथ। और ताम्रध्वज साहू के पोस्टर पर बीजेपी का बयान भी आया है। बीजेपी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर, उन्होंने कहा कि जो चरित्र में होता है वही चित्र में होता है। बिरनपुर की घटना पर क्यों चुप थे ताम्रध्वज साहू, आरोपियों पर क्यों नहीं हुई बड़ी कार्रवाई। जो चरित्र में होगा वही चित्र में आएगा। कांग्रेस की सरकार में जब गृह मंत्री के रूप में ताम्रध्वज साहू थे उस समय बिरनपुर में एक साहू समाज के व्यक्ति की जिहादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उस समय वो खामोश हो जाते हैं। आखिर जिहादियों को किनका संरक्षण था, क्यों उस पर बड़ी कार्यवाही नहीं की गई, आखिर ये सब उनके किए गए कार्य आज चित्रांकन के रूप में उनके लोकसभा क्षेत्र में उजागर हो रहे हैं। कल हो सकती है छत्तीसगढ़ से बाकी बचे कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा, एआईसीसी के सचिव विकास उपाध्याय ने बयान दिया है। कल तक जारी हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के बाकी 5 नाम। प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल है। सीईसी की बैठक के बाद नाम पर मंथन और फिर कल 5 नामों की सूची आ सकती है। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है। छत्तीसगढ़ की सीटें जारी हुई, असम की, तेलंगाना की, केरल की, गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, अलग अलग उत्तराखंड की, अलग अलग प्रदेशों की सूची रोज जारी हो रही है। सीईसी में टिकटें पर डिस्कशन होता है, उसके बाद टिकट फाइनल होती है। तो कांग्रेस पार्टी की उन 5 सीटों पर भी सब डिस्कशन हो चुका है और कभी भी सूची एक साथ जारी होना, इसलिए कभी भी सूची जारी हो सकती है। और महासमुंद में कांग्रेस को लगा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले बसना जनपद अध्यक्ष ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रुक्मणी पटेल के साथ 4 सदस्य भी शामिल हुए हैं। लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के सामने उन्होंने सदस्यता ली। निशान बने हैं, ये जो बीजेपी लिखी है वो मोर निशान है और मैं ही लोकसभा की चुनाव लड़ा दूंगा ऐसा आप अपेक्षा कर रहे हैं। रायपुर के माना बस्ती इलाके में डकैती का मामला सामने आया है। नकाबपोश बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाया और लूटपाट की। लाखों के जेवरात और नकदी समेत 10,00,000 लेकर ये फरार हो गए। 4 बदमाशों ने घर के सदस्यों के हाथ पैर बांधे मारपीट की, मास्टर की से अलमारी का लॉकर खोला, 10,00,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, डॉग स्क्वाड की टीम यहां पहुंची और अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मध्य प्रदेश का पत्थर गैंग ये हो सकता है जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। सर ये तो बहुत ज्यादा ही खौफ का मंजर था। हम लोग अभी भी कहां पर है सर इस घटना के बाद, और मेरे यहाँ मेरा बच्चा है 8 साल का, एक बच्ची है 2.5 साल की, वो और मेरी मम्मी जो 62 एज है उनका, उनके सामने में पूरा घटना हुआ है सर। उनको आपने बताया राड से भी हमला किया, राड से भी मारे हैं सर उनको,
उनको यहाँ कंधे पे चोट आई है और पैर पे भी चोट आई है सर। कितने लोग थे वो घर के अंदर? तो सर 3 लोग आए थे और बाहर भी उनके आदमी थे। बाहर भी उन लोग पूरा पत्थर इकट्ठा करके रखे हैं और आसपास यहाँ जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको भी उन्होंने तोड़ा है और आजू बाजू के जितने भी घर हैं सबके घर को बाहर से उन्होंने लॉक किया है। सबसे पहले 1 बजे के आसपास रोड के पास एक दुकान है, वहाँ उन्होंने सेम यही चीज़ अटेम्प्ट किया है। तो वो घर वाले जब जग गए तो उन लोग वहाँ से भग के फिर इधर बाड़ी के रास्ते से तार को काटते हुए पूरा इधर जो अंजाम देते हुए मेरे घर के अंदर आए हैं। उसके बाद मेरे घर वो लोग करीब अंदर 2:45 के आसपास आए हैं और 3:30 बजे तक वो घर के अंदर ही थे और पूरे इस वारदात को अंजाम दिए हैं। चंद्राकर परिवार के यहाँ एक घटना हुई है रात में, दरमियानी रात को 3 अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर अलमारी में रखे नकदी और ज्वेलरी आइटम को चोरी कर ले गए हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। अभी कुछ सिटी फोन से लगातार आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई है। जैसे भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड के नवीनीकरण के बाद नए कार्ड के वितरण का काम शुरू हो गया। राजधानी रायपुर में नया कार्ड लेने के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जोन ऑफिस में सही व्यवस्था न होने के चलते लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा। खाद्य विभाग के द्वारा नवीनीकरण के बाद नए राशन कार्डों का वितरण का काम भी जो है राजधानी रायपुर में शुरू हो गया और उसको लेकर सुबह से ही जोन ऑफिस की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर नया राशन कार्ड लेने के लिए सुबह से ही महिलाओं की जो है लंबी कतारें वो है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही महिलाएं अपने जोन ऑफिस के बाहर नया राशन कार्ड लेने के लिए पहुँच रही है। उसे बात करते हैं, नया राशन कार्ड मिल गया आपको? कहाँ मिले हैं? अरे अभी बनाने आई हूँ, जमा करने आई हूँ। जमा करे कार्ड लेते अभी जमा किए कहाँ से जाएं? वो आते गए हैं, वो तो 2 घंटा खड़े रहे हैं। तो ये तो बताइए से कार्ड जमा हो गया। कितनी परेशानी है आप लोगों को? कितने समय आया आज? कितने समय आया यहाँ? यहाँ तो ये 1/2 घंटा हो गया है। और भी कुछ महिलाएं उनसे हम बात करते हैं, कब से खड़े हैं आप यहाँ पर लाइन में? कब से खड़े हैं आप लाइन में? 2 घंटा हो। कितनी परेशानी हो रही है? आप पहली बार आ रहे हैं आज कार्ड लेने के लिए? किससे पहले भी आए? नहीं पहली बार आई। आप बताइए आप कब से खड़े हैं? बोलो ना। क्या कितने समय से खड़े हैं? मैं टाइम से खड़ी हूँ, मैं 9 बजे से खड़ी हूँ। अभी तक आपको कार्ड नहीं मिला? नहीं मिला। भीड़ भाड़ा का चल रहा है, भीड़ भाड़ा का चल रहा है। तो देखिए सुबह से ही महिलाएं जो है जोन ऑफिस के बाहर नया राशन कार्ड लेने के लिए जो है पहुंची है और सुबह कुछ महिलाएं बता रही हैं कि वो सुबह 9 बजे से यहाँ पर खड़ी हुई है। लंबी लाइनें आपको तस्वीर में दिखाई रही है कि लंबी लाइनें यहाँ पर जोन ऑफिस के बाहर लगी हुई, लेकिन अभी तक इनके इनको जो है कार्ड वितरण का काम जो है शुरू नहीं हुआ है और जोन ऑफिस के बाहर तमाम तरह की एक व्यवस्था नहीं होने के कारण आम लोगों को भी कार्ड लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। रायगढ़ में NSUI ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। DEO कार्यालय का घेराव करने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर ये कार्यकर्ता पहुंचे। शिक्षा विभाग पर कमीशन खोरी का आरोप इन्होंने लगाया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।